सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है कैसे आप विक्टर आर्ट लोगो क्रिएट कर सकते हो, या बोल सकते हो विक्टर आर्ट पोर्ट्रेट लोगो कैसे आप बना सकते हो अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर। तो देखना आप इस वीडियो को एंड तक और स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम सर्च करेंगे जिसका नाम होगा रेमिनी, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाएगा, तो आप इसका लोगो वगैरह देख लीजिएगा। इसको आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। सेकंड जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा उसका नाम है पिक्सआर्ट, ठीक है। तो ये आप सभी के मोबाइल पर शायद ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको रेमिनी फोटो इन्हेंसर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो ये आप देख सकते हो, मैंने रेमिनी फोटो इन्हेंसर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसे स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो पेंट नाम का। सो ये आप देख सकते हो पेंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और पेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे मिलेगा यूज इट, तो आप सिंपली यूज इट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपना फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस फोटो को आप वेक्टर आर्ट लोगो बनाना चाहते हो, जिस फोटो को यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना फोटो को सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है एंड आपके सामने एक छोटा सा ऐड आ जाएगा, तो आप ऐड को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऐड को मैंने स्किप कर लिया और ये आपके सामने वेक्टर आर्ट बन के तैयार हो चुका है। हेयर इज़ द बिफोर एंड हेयर इज़ द आफ्टर, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हो, फोटो का क्वालिटी जितना हाई होगा उतना बेटर आपका जो वेक्टर आर्ट है वो बनेगा, ठीक है। सो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर एकदम आपको लेफ्ट साइड पर लेके आ जाना है एंड देन अभी आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। तो राइट साइड के कॉर्नर पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे सेव कर लेंगे। तो ये हमारा फोटो जो है सेव हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी चला जाना हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मैं अपने फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे ऑफ कर लेता हूँ और ये मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया, ठीक है। अभी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है कलर बैकग्राउंड्स, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट को चूज करेंगे, ये सबसे पहला वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, सॉरी टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप क्रॉप के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे 16:9, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आ चुका है। अभी आपको राइट साइड के कॉर्नर पर सिंपली टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है, ओके। उसके बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा ऐड फोटो, तो आप सिंपली ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना वही पिक्चर को चूज़ करेंगे जिस पिक्चर का आपने विक्टर आर्ट बनाया हो थोड़ी देर पहले रेमिनी एप्लीकेशन में, सो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको राइट साइड के कॉर्नर पर ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये हमारा फोटो जैसे कि आप देख सकते हो आ चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। अभी आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हो, सिंपली आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये थर्ड नंबर पे मिलेगा सर्कल शेप, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको इसे अपने विक्टर आर्ट के ऊपर इस तरीके से सेट कर लेना है। काफ़ी ध्यान से और काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपको इसे सेट करना है और सर्कल शेप को अगर आप इधर उधर काटते हो तो इसका जो पोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा आप ध्यान से और थोड़ा सा टाइम देकर इस काम को कीजिएगा तो भी आप परफेक्टली ऐसा कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हो मैंने कर लिया। अब जैसे कि मान लो ये सर्कल शेप के अंदर जितना पार्ट ऐड हुआ है वही हमारा लोगो बनेगा, ठीक है। सो उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। ये जो आपको एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड की कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा साइज, तो साइज बेसिकली क्या होता है, इसके साइड में जो आपको शेडो दिखाई दे रहा है ये वाला बॉर्डर, तो आप इसको इंक्रीज करके कर लेंगे 7, ओके। तो ये 7 कर लिया, अभी कर देते हैं डन, ठीक है। उसके बाद आप इसे बड़ा कर लेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से। और ये बैकग्राउंड के बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बैकग्राउंड के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद आप सिंपली कर देंगे डन, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, ड्रॉ नाम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सिंपली ड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अभी आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहा है, सिंपली आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे,
इसे कर देंगे सेव। तो ये हमारा विक्टर आर्ट लोगो बनके सेव हो चुका है। अभी आप इसे अपने यूट्यूब वीडियो पर लगा सकते हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पर लगा सकते हो या डीपी पर लगा सकते हो बोल सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप विक्टर आर्ट लोगो क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।